हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्वेल्थ क्लास का फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। अब इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है, हम लोग बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए हम समझाने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज? ये सिर्फ एक है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब अंदरूनी प्रॉपर्टी। किसकी है ये अंदरूनी प्रॉपर्टी? एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। एलिमेंट्री पार्टिकल्स मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल किसका? एलिमेंट मैटर का। एलिमेंट्री पार्टिकल मीन्स जिनसे हमारा पार्टिकल बना हुआ है, जिससे बना है हमारे जितने मैटर है, जिससे हमें बना है सब कुछ, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्या है ये इलेक्ट्रिक चार्ज? जो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, जो हमें क्या देती है, जो हमें देती है, जो देती है हमें इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। किसके बीच में? बिटवीन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बीच में, अलग अलग बहुत सारे, जो इसे ही कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका डेफिनेशन जान लेते हैं क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज? इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच गिव्स राइज टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज पहले ये जान लें, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो है स्केलर यूनिट है, स्केलर क्वांटिटी है। मतलब ये हमारी स्केलर क्वांटिटी जो ऐड हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, सब कुछ स्केलर है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती कोई। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू क्या होती है? जो इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू होती है हमारी 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और कूलम इसकी यूनिट है, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से। तो यही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू हो गई 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं।